गणेश पूजा टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो मेरी ओडिया व्यूअर्स को नुआखाई का बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूँ, नुआखाई जो होता है वो वेस्टर्न ओडिशा का बहुत ही मेन फेस्टिवल होता है, तो उसको हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम लोग भी ओडिशा में रहते हैं इसलिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी ने रंगोली बना दिया है, कितना अच्छा दिख रहा है रंगोली, एकदम सिंपल सा रंगोली बनाया है। और सारा प्रिपरेशन दिखा रही हूँ मैं आप लोग को यहाँ पे नुआखाई के लिए जो भी हम लोग करते हैं। तो थोड़ा बेसिक चीज़ बता देती हूँ, नुआखाई क्या होता है एग्जैक्टली। तो नुआखाई में क्या होता है ना कि जो फार्मर होते हैं वो लोग का ये एक्चुअली मेन फेस्टिवल होता है, तो जो नया चावल आता है उसका भोग लगाया जाता है भगवान जी को एंड उसी का ही पूजा किया जाता है। और बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी, आगे वीडियो में देखते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं करते बट जितना करते हैं सब दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए खीर बन रहा है और मम्मी यहाँ पे नारियल को ग्राइंड करके उसका शुगर डाल के उसमें एक उसका मिठाई बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 500 होगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी उसके लिए, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर देना वीडियो को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो देखो मम्मी यहाँ पर वो मिठाई बना रही है एंड मम्मी का देख देख के मैं भी थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ, मतलब जैसा वो करती है। मुझे तो ये सब ज़्यादा आता नहीं है फिर भी मैं थोड़ा सीख लेती हूँ, तो यहाँ पे मम्मी का देख देख के ही मैंने भी बनाना स्टार्ट किया। और देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ और इस मिठाई का नाम होता है, मतलब ये सूजी से बनता है एक्चुअली, तो इसको मोड़ा बोला जाता है ओडिया में। और बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, बहुत मज़ा आता है और इतना खाते हैं ना हम लोग इसमें, भर के खाते हैं, मतलब 2-3 दिन का एक ही साथ खा लेते हैं ऐसा लगता है मेरे को। तो आप लोग भी देखिए एंड इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। और भोग के लिए देखिए खीर और भी जो मिठाई है वो बन चुका है, तो हम लोग अभी भगवान को भोग लगा देंगे। एक्चुअली एक टाइमिंग होता है भगवान को भोग लगाने का, उसी टाइम में हम लोग भोग लगाते हैं, तो अभी हम लोग भोग लगा रहे हैं आप लोग देखिए। एंड दिया जला दिया है मम्मी ने यहाँ पे, और भोग लगाने के बाद हम लोग फिर बाकी का जो है मिठाई वगैरह वो खाना वगैरह वो सब बनाएंगे। तो पहले चलिए भोग लगा लेते हैं भगवान जी को एंड पूजा कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो नया धान होता है ना उसको लाके भगवान के पास रखा जाता है यहाँ पे और उसी का पूजा किया जाता है। और ये पुराना धान हम लोग निकाल के साइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए नया धान रखा जा रहा है क्योंकि मेन इसी का ही ये फेस्टिवल होता है। और भोग लग गया है तो चलिए आगे का देख लेते हैं।
और यहाँ पे देखिए सब कुछ बनके रेडी हो गया है। ये टमाटर का खट्टा है और सारा हम लोग खोल खोल के आपको दिखाएंगे। अभी ये है एक फ्राई होता है, एक उसका नाम नहीं मुझे याद है, और ये पम्पकिन का फ्राई है, और ये है बनाना का ग्रेवी वाला सब्ज़ी जो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे देखिए कुछ मिठाइयाँ रखी हुई है और यहाँ पे खीर है। उसके बाद आपको कैसा लगा ये सब फूड आइटम्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। हाँ, और कौन सा आप लोगों को दिखने में ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है वो भी बताना मुझे ज़रूर से, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये ब्लॉग बनाया है। ये है बनाना का फ्राई है ये, और यहाँ पे देखिए दाल रखा हुआ है, और यहाँ पे है पूरियाँ, और बस यही सब कुछ बना था, यही सब हम लोग खा के इंजॉय किए ये पूरा अच्छे से। ये फेस्टिवल देखिए यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, और बस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट फिर एक अच्छे से व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।